तारीख़ अरब का एक नामवर करदार हातम, जिसे सखावत की दुनिया का बादशाह कहें तो गलत नहीं होगा, जिसकी सखावत के वाकयात अरबी दास्तानों का हिस्सा बन गए। एक ऐसा सखी जब कोई मेहमान उसके घर आता तो उस दिन वो एक गुलाम आज़ाद करता, और जब कोई कैदी उसे मदद के लिए पुकारता तो वो कैदी की रिहाई के बदले उस वक़्त तक खुद को कैद होना मंजूर कर लेता जब तक वो अपना फ़िदिया ना चुका दे। यमन का ये सखी कौन था? क्या उसने आखिरी नबी का ज़माना पाया था? हातम के सात सवालों के मुतालिक सफ़र की क्या हकीकत है? और हातम की बेटी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुई तो हुजूर ने क्या कहा? ये रबीउल अव्वल 9 हिजरी का साल था जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को 150 सिपाहियों समेत कबीला तय की तरफ भेजा, क्योंकि उन्होंने हुनैन की जंग में मुशरकीन का साथ दिया था। हजूर ने हुक्म दिया कि तय कबीले के बुत, जिसका नाम कुलस था, उसे तोड़ दिया जाए। काली झंडियां लेकर अरबों के 30 शाह सवार सुबह सुबह बनु तय पहुंचे, और तय की छोटी सी फौज के साथ झड़प के बाद ये इलाका फतह हुआ। कुलस को मसमार कर दिया गया और तय के बड़े बड़े सरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया और माले गनीमत समेत इन्हें मदीना लाया गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने यह खबर दी कि इन कैदियों में सफाना नामी एक खातून है जो ये बता रही है कि वो हातम ताई की बेटी है। हातम ताई दरअसल ज़माना जाहलियत का एक मशहूर सखी इंसान था जो नहायत ही रहमदिल, बेकसों की मदद करने वाला, मेहमान नवाज, मोहताजों का मददगार और एक नेक सिफत इंसान था जिसके किस्से पूरे अरबो अजम में मशहूर थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलवाया। जब वो हजूर के सामने पेश हुई तो उन्होंने कहा कि मैं हातम ताई की बेटी हूँ, मेरा बाप भूखों का पेट भरता था और गरीबों पर रहम करता था। उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप में मुसलमानों जैसी खूबियाँ थीं, अगर तुम्हारा बाप अहदे इस्लाम में होता तो हम इसके लिए रहमत की दुआ करते। सफाना बिनते हातम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? उसने कहा, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरा भाई जो मेरा महाफज है जिसका नाम आदि है, वो आपकी फौज से खौफजदा होकर शाम के इलाके की तरफ चला गया है। आप मुझको इजाज़त दें कि मैं उसको ले आऊँ और आप इसके लिए एक अमन का मुआहिदा लिख दें। आप मुझ पर एहसान फरमा दें, अल्लाह आप पर एहसान फरमाएगा। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कुछ जवाब ना दिया। दूसरे दिन फिर सफाना ने हजूर से यही दरख्वास्त की तो हजूर ने फरमाया, तुम जल्दबाजी क्यों करती हो? जब तुम्हारे इलाके से कोई आएगा जिस पर तुमको एतमाद हो तो उसके साथ चली जाना। लिहाजा चंद दिनों बाद इनके रिश्तेदारों में से कुछ लोग आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाना के लिए कपड़ों के जोड़े और सफ़र का सामान देकर सवारी पर रवाना कर दिया। लिहाजा सफाना अपने रिश्तेदारों के साथ अपने भाई के पास पहुंच गई। सफाना ने अपने भाई आदि के सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की और कहा, मेरा तो ख्याल है कि तुम जल्दी इनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। अगर वो नबी हैं तो तुमको जल्दी सबकत करनी चाहिए, और अगर वो बादशाह हैं तो तुम्हारी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लिहाजा आदि बिन हातम अपनी बहन के हमरा मदीना पहुंच गए और मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। वहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। हजूर के पास एक गद्दा रखा हुआ था जिस पर आप बैठा करते थे। हजूर ने इसे आदि की तरफ सरका दिया। आदि ने अर्ज़ किया कि नहीं, आप इस पर बैठ जाइए, लेकिन हजूर ने इशारा किया और ज़मीन पर बैठ गए। हजूर ने आदि को इस्लाम की दावत दी। चुनाचे आदि ने हजूर की शख्सियत से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। बरहल सफाना और आदि ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाप हातम ताई की सफ़ात और रहम दिली के वाकयात बयान किए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बनु तय के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए। हातम ताई अरब का वो मशहूर शख्स था जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुतासर हुए थे।
दरअसल हातम का असल नाम हातम बिन अब्दुल्ला बिन साद अल ताई था, जो ताई कबीले के एक सरदार का बेटा था। कहते हैं कि बचपन में ही वालिद की वफात के बाद हातम ने अपनी दौलतमंद और सखी माँ की गोद में परवरिश पाई। हातम की माँ ने कुछ इस तरह इसकी तरबियत की कि वो सखावत का वारिस बन गया। वो जवान होकर बड़ा सखी इंसान बना। वो सखावत से ही दिल बहलाता और इसमें इस कदर मुबालगा करने लगा कि जुनून की हद तक पहुंच गया। हातम बचपन से ही अपना खाना और कपड़े अपने मुफलस साथियों को दे दिया करता था। दादा ने जब ऊँटों की निगरानी का काम इसके ज़िम्मे लगाया तो हातम ने अजनबी मेहमानों के लिए 3 ऊँट ज़िबा कर दिए और बाकी बचा हुआ गोश्त अपने कबीले में तकसीम करके दादा के सामने फख्रिया इजहार किया कि मैंने आपके ख़ानदान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। हातम की सखावत के किस्से तारीख की किताबों और अरबी दास्तानों में भरे पड़े हैं। इमाम इब्ने कसीर अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दफ़ा अरब में कहत का ज़माना था। हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। लोग अनाज के दाने दाने के लिए तरस रहे थे। खुद हातम अपने घर वालों समेत फाके से बदहाल था कि रात के वक्त एक औरत ने आकर अपने भूखे बच्चों के खाने के लिए फरियाद की। हातम ने उठकर अपना घोड़ा ज़िबा कर दिया और पहले इसे खाने को दिया और फिर अपने बच्चों को जगाकर खिलाया, और जब तक अपनी कौम के एक एक घर में जाकर वो गोश्त तकसीम ना कर लिया, खुद खाना नहीं खाया। हातम के घर कोई मेहमान आ जाता तो वो इसकी इज्जत तकरीम में कोई कसर ना छोड़ता, बल्कि वो खुद मेहमानों की तलाश में लगा रहता और ऊंची पहाड़ी पर एक आग रोशन करके आवाज़ें दिया करता और अपने ग़ुलाम को खुशखबरी देता कि अगर इस आग की वजह से कोई मेहमान हमारे घर आ गया तो तुम आज़ाद कर दिए जाओगे। वो मुकाम जहां हातम रात को आग जलाया करता था आज जबले समरा की चोटी पर वाक़िया है, जो हातम ताई के आतशदान के नाम से मशहूर है और आज सऊदी अरब की सियाहत और असारे कदीमा के मकामात में सरे फहरिस्त है। इस तरह मशहूर है कि जब हातम ताई को किसी कैदी ने मदद के लिए पुकारा तो इसने कैदी की रिहाई के बदले उस वक़्त तक खुद को कैद होना मंजूर कर लिया जब तक वो अपना फ़दिया ना चुका दे। इस तरह के बेशुमार किस्से हातम के मुतल्लिक अरब में मशहूर हैं। हातम की सखावत के चर्चे घर घर आम होने लगे। इब्ने अरबी हातम ताई के मुतल्लिक लिखते हैं कि हातम हर मैदान में कामयाब शख्स था। जब वो जंग करता तो गालब आ जाता, किसी से मुकाबला करता तो सबकत ले जाता, कोई खेल खेलता तो हमेशा जीत जाता, और सखी इस कदर था कि जब माहे रजब का चांद नज़र आता तो हातम हर रोज़ 10 ऊँट ज़िबा करता और लोगों को खाना खिलाता और लोग इसके पास जमा हो जाया करते थे। हातम ताई की तिलस्माती और माफुकुल फितरी दास्तानें किस्साए हातम ताई के नाम से अजम और ईरान के इलाकों में नहायत ही मशहूर हुईं। इस दास्तान में हातम एक शहजादी के ज़रिए किए गए 7 सवालों के जवाब की तलाश में निकलता है और ये सफ़र नहायत ही अजीबो गरीब और ख़तरों से भरा हुआ होता है, जिसे हातम अपनी हिम्मत और जमा मर्दी से मुकम्मल करता है। लेकिन किस्सा हातम ताई महज एक अफसाना है जिसका हकीकी हातम ताई से कोई वास्ता नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलान नबूवत से 33 साल कबल हातम ताई फौत हो गया और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ना पा सका। अगर वो ज़िंदा रहता तो देखता कि शाह अरब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत बारिश की तरह अरब के हर इलाके में बरस रही थी, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए थे। यहाँ तक कि खुद हातम का ख़ानदान भी इससे महरूम ना रहा कि अरब के इस मशहूर सखी के ख़ानदान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े एहसान थे। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और शैतान मर्दूद से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।